जब भारत की सेना ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था, तो उस समय ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता होना था, जिस समझौते में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयुब खान और हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री के बीच में बातचीत हुई। और जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति से किसी न्यूज रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया और उन्होंने ये पूछा कि आप दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, तो उन्होंने बहुत ही बेकार सा बयान दिया लाल बहादुर शास्त्री जी को नीचा दिखाने के लिए। उन्होंने उनके छोटे कद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो छोटे आदमी से मैं क्या बात करूंगा, हमारे बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है या वो हमारे से बात करने के लिए एबल नहीं है। कुछ समय बाद जब उसी न्यूज रिपोर्टर ने लाल बहादुर शास्त्री जी का इंटरव्यू लिया और ये बात उन तक पहुंच चुकी थी, खबरों में आ चुकी थी, तब उन्होंने उसी बात का जवाब देते हुए उन्हें बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने जब न्यूज रिपोर्टर ने उनसे ये पूछा कि आपके और उनके बीच में क्या बातचीत हुई थी और आगे आप किस तरह से बातचीत करेंगे, तब उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मेरा कद छोटा है तो जब भी हमारे बीच में आगे बातचीत होगी, हमारा देश युद्ध को बहुत अच्छी तरह से जीत गया है, तो वहां के राष्ट्रपति आयुब खान मुझसे हमेशा नजर झुकाकर बात करेंगे और वहीं उनकी जगह मैं उनसे नजर उठाकर बात करूंगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।